व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर प्रैंक वीडियो। तो गाइस आज का जो प्रैंक है बहुत ही जहर प्रैंक होने वाला है, और आज मैं करने वाला हूँ डबल मीनिंग प्रैंक ऑन वाइफ। तो रूही के सामने थोड़ा सा नोटी वाली बातें करने वाले हम, और थोड़ा सा ऐसी बातें बोलेंगे कि उसका दिमाग हिल जाए भाई। मैं बोलूंगा कुछ और भी समझेगी कुछ और, पता नहीं क्या ही मीनिंग निकालेगी उस वाली बात का वो। तो उसका रिएक्शन देखेंगे कैसे वो रिएक्ट करने वाली जब मैं उससे डबल मीनिंग बातें बोलूंगा। तो बहुत ही मजा आने वाले इस वाले प्रैंक वीडियो में। जो भी चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी उसको वीडियो कॉल मिलाते हैं और अपना प्रैंक शुरू करते हैं गाइस। हेलो, ये देखो क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को अब, है ना। ये देखो, रुक जा, ये देख कैसा लग रहा। तू यहाँ रोटी बना, सब्जी गरम कर, खाना खिला, पूरे दिन पूरी रात। तो मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी पत्नी तो सेवा करेगी नहीं। अच्छा, अब वहाँ पे लिखा है कि सारा काम, सारा सेवा वगैरह सब पत्नी ही करता है। मैं भी यहाँ पे काम ही कर रही हूँ, ठीक है ना। मेरा काम कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तू आ रही है या नहीं आ रही, या फिर मैं किसी बाहर वाली को लाऊं? आज का दिन ही खराब है यार, सच्ची में। क्यों, क्या हो गया आज? आज बहुत बुरा दिन है यार, मतलब मेरा भी बुरा दिन है ना। जैसे मेरी हालत चल रही है देख तू। क्या हुआ ये बताएगा? अरे एक दोस्त के लिए बुरा लग रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ना आगे से कर पा रहा ना पीछे से कर पा रहा, फंसा पड़ा है बीच में। मैं तो बहुत पहले से ही एक्सपर्ट हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, पर उस बिचारी के लिए तरस आ रहा है थोड़ा सा। वो मेरा पुराना दोस्त है ना यार। अच्छा। अपना काम कर, ये सब फालतू बातें मत कर, ये सब फालतू लोगों को भी मत वो कर, जाके जा जाके ना अपना काम कर। एक सेकंड रुक। हेलो। हाँ भाई। अरे तू परेशान मत हो यार, तू इतना वो फील मत कर कुछ भी यार, तू रो मत, एक तो चुप हो जा तू। हाँ मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा भाई अभी जिंदा है ना, मैं एडवाइस दूंगा तेरे को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ अरे ये सब चुटकियों का खेल है यार मेरे लिए, मैं एक्सपर्ट रह चुका हूँ पहले ये सब करने में ना। क्या हो रहा है तेरे को, दिक्कत ये बता, पीछे नहीं हो रहा क्या तेरे से, आगे कर पा रहा है तू, पीछे में दिक्कत आ रही है? अरे यार होता है यार, ये नई नई शादी है ना यार, तो मतलब अभी तेरे को एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत अभी दिक्कतें आती है स्टार्टिंग में यार। जब पुरानी हो जाएगी फिर तेरा मन भी नहीं करेगा, अभी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कभी कभी, जो नए नए होता है लोग उनको कुछ पता नहीं रहता ना, वो ठीक से कुछ कर पाते फिर। अच्छा। जंग वंग तो नहीं लग गए ना, सब ठीक से तो काम कर रहा है? अच्छा, आगे स्मूथ जा रहा है, पीछे से थोड़ा सा टाइट हो रहा है। कोई नहीं हो जाएगा, तू इतना परेशान मत हो, रो मत, तू चुप हो जा यार, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू बेफिक्र रह। देख जब तू आगे से कर रहा है जब तो तू मजे आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ठीक से जा रहा है, पीछे में तू कर नहीं पा रहा, तो थोड़ा सा आराम से कर ना, बैलेंस बना के कर थोड़ा सा। अच्छा बैलेंस भी बन रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा, वो ये ना यार, अब मैं फोन में कैसे बताऊं, अब सामने वामने होता तो फिर मैं तेरे को कुछ लाइव करके भी दिखा देता। मरना तेरे को डर नहीं लगता? फोन में हो नहीं पाएगा ना ठीक से, चल मैं मैसेज में तेरे को बताऊंगा अच्छे से, है ना, वो ट्राई कर दियो तू एक बार, फिर भी कोई दिक्कत आए तो फिर मेरे को बताना तू। अरे ऐसा मतलब नुस्खा बता दूंगा, तू जिंदगी भर खुश रहेगा यार, आगे पीछे कोई से भी एंगल से घुमा ले सबसे हो जाएगा फिर तो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। हाँ अरे मैंने बहुत करे हैं यार, मेरे को सब पता है ट्रिक,
चल तेरे को मैं मैसेज में कर दूंगा ना थोड़ी सी। अभी यार मैं फंस गया यार यहाँ पे, यार खुद काम करना पड़ रहा है, यहाँ तो कोई है नहीं, सब खाना वाना कपड़े वपड़े सब कुछ करना पड़ रहा है, धोना पोना। सही है, सही है। आराम से कर, स्मूथली लेके, ज्यादा टेंशन मत ले दिमाग में, जोर लगा बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ओके। मुझे बस स्क्रीनशॉट दिखाइयो कौन था। क्या हो गया तुझे, तुम बुड़बक हो गया, जब किसी से बात कर रहा हूं मैं बीच में बोली जा रही है बक 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 बकरी की तरह, चुप नहीं रह सकती 2 मिनट। एक तो उधर वो मेरा दोस्त रो रहा है, इधर से तू मेरे कान पका रही है। मैंने तो ज्यादा कुछ बोला भी नहीं, और तू ये सब गंदा वाले ज्ञान किसको दे रहा है, इतना गंदा ज्ञान किसको बांट रहा है तू। अरे एक दोस्त को तकलीफ हो रही है यार, तो मेरा फर्ज तो बनता है ना उसकी हेल्प करना, ज्ञान थोड़ी दे रहा हूँ, तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ यार, उसको मैं मतलब चीज बता रहा हूँ जैसे वो ओवरकम कर पाए उस चीजों से, ये तो फायदेमंद चीज है, बेकार थोड़ी है। तो फोन तो तूने मुझे किया वीडियो कॉल, और दूसरा फोन में भी बिजी हो गया, और वो भी ये सब खराब खराब वाले ज्ञान तू फ्री में दे रहा है, कौन लेता है, कौन देता है ये सब ज्ञान। अरे कॉलेज का दोस्त है, सुन मेरी बात, अभी कॉलेज का दोस्त है मेरा, वो बहुत ज्यादा परेशान है, रो रहा है यार फोन पे, 3-4 दिन हो गए उस पे कुछ हो नहीं रहा बेचारे पे, पीछे ही नहीं कर पा रहा वो, आगे से तो कर पा रहा है वो। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं तो 2014 से एक्सपर्ट हो गया था, 14, 15, 16 मेरी पहुंच बहुत ऊंची ऊंची तक है, तू सोच नहीं सकती वहां तक। वो तो पता है, वो तो सब पता है ना। एकेडमी भी है मेरी। हो गया अपना, जब अपना काम कर लो, गंदा ज्ञान मुझे मत दो ठीक है ना, वरना झूठी पड़ेगी, मैं बता रही हूँ ठीक है ना। तो तू मेरे पे क्यों भड़क रही है यार, क्या सोच रहे लोग, सोचने दे यार, उस बेचारे की हेल्प हो जाएगी, वो उसकी नई नई शादी हुई है, जीवन भर उसे अभी बहुत लंबा सफर करना है यार, बताओ वो अभी परेशान है, तो मतलब यार थोड़ी बहुत हेल्प हम कर देते हैं, तू नहीं समझेगी, ये लड़कों का मामला है ना। प्यारी समझ गई। अच्छा हाँ, तो आज से तू इतना गंदा ज्ञान नहीं देगा ठीक है ना, नहीं देगा तो नहीं देगा। अरे इस ज्ञान के पता है लोग तरसते हैं कि कहीं से ऐसा ज्ञान मिल जाए। ये देख रहे हो, इतनी दूर से फेंकूंगी ना कोलकाता से, फिर पता लगेगा तुम्हें। आ जाएगी? हाँ आ जाएगी। फेंक कैच कर लूंगा, बस फालतू की बातें करवा लो तेरे से। गुस्सा मत दिला मुझे ठीक है ना, अब ये सब फोन वोन ब्लॉक कर। तो तू गुस्सा क्यों कर रही है, सुन मेरी बात देख, अभी उसकी नई नई शादी हुई है, उसे दहेज में गाड़ी मिली है ठीक है, तो सुन तो ले, दहेज में उसको गाड़ी मिली है, बेचारा उसने वो भी नहीं सीखी गाड़ी चलानी, आगे तो वो कर पा रहा है ठीक है, आगे आगे से तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर जब वो बैक कर रहा है पीछे से कर रहा है तो वो कर नहीं पा रहा, वहां दिक्कत हो रही है, गियर अटक जा रहा है उसका। बड़ा हरामी हो बेटा, वो ये बोल रहा है, उसके घर वाले भी परेशान है फिर, और वो गाड़ी भी नहीं चला पा रहा, ये बोल रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो, आगे आगे से मैं कर पा रहा हूँ, पीछे से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा तो तू ये वाला बोल रहा, तो पहले ही बोलना कि ऐसे हो रहा है। तू क्या सोच रही थी, तू ये पहले बताता ना कि गाड़ी का चक्कर है बाबू भैया, तो इसमें रोने वाली आवाज है। अरे वो मतलब पीछे से ठूक जा रही है, फिर वो सही कराने जाता है, बेचारा परेशान है ना, तो बोल रहा था कि भैया मेरे को सिखा दो कैसे है, पीछे से करते हैं। तो पहले ही बता देता। तो तू क्या सोच रही थी? मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, वो तो जाने दे यार। तेरा दिमाग गैस पे जला के दिमाग को वो कर दूंगा, ठीक कर दू, गर्म कर दू। तो तू कौन सा चक्कर समझ रही है, कौन सा चक्कर चला रहा हूं मैं दोस्तों के साथ? कुछ नहीं यार, छोड़ जाने दे, तेरा तो यही है। तो तेरा भी तो यही है, तेरी सोच मुझे पता है कहां तक जाती है ना, वहां तक जाती है जुपिटर तक।
गया। चल ठीक है, मुझे खाना खान दे यार, है ना, टाइम खराब कर रही है मेरा यहाँ पे तू, है ना, ना यहाँ पे आ रही है ना कुछ करने दे रही है, खुद करना पड़ रहा सब कुछ। तुझे भी तो ड्राइविंग स्किल्स है? नहीं मेरे पास है, चलो अपना, है ना, कुछ कर नहीं रही है यहाँ पे सर्दी में कुछ मेरे को करना पड़ रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे, हाथ भी जम जा रहे हैं। तो मेरा भी तो वही करना पड़ रहा है दूसरों के हाथ से। ठीक है, तू ज्यादा बकवास मत कर यार, तू तेरे को तो कुछ बोलना बेकार है, कुछ बताना भी बेकार है, वीडियो कॉल करते ही हमेशा लड़ती है। ठीक है, तू अपना काम कर, ठीक है, हाँ।